मैं अक्सर आप लोगों के लिए पाकिस्तान से ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के पता नहीं कहाँ कोने में घुसे हुए रहते हैं, ऐसे जाहिलों को ढूंढ ढूंढ के आपकी सेवा में हाजिर करता रहता हूँ। लेकिन इस खोजबीन के अंदर कभी कभी मैं खुद भी आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर की कोयले की खान में हीरा कैसे है। हमने आज तक जितने भी पाकिस्तानी देखे मोस्टली जाहिली देखे। मैं ऐसा नहीं कहता कि पाकिस्तान में सारे ही जाहिल होते, कुछ परसेंट है वहाँ पे बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी टाइप के लोग है, लेकिन वो दिखते बहुत कम है, नजर नहीं आते। ऐसे ही एक बुद्धिजीवी को मैं आज आपके लिए पकड़ के लेके आऊँ। इस कोयले के खान से निकले हुए हीरे की बातें आप सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान परेशान हो जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये बंदा पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसे चमत्कार पाकिस्तान में कभी कभार ही होते हैं जिसके साक्षी बनेंगे आज आप और मैं। लेकिन इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाने से पहले जानते हैं कि ये भाई साहब ये पत्रकार महाशय का मुद्दा क्या था, क्योंकि इसके बिना तो फिर मजा नहीं आएगा ना आपको। तो गाइस आज एक और बहुत बड़ी न्यूज के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। गाइस अभी रिसेंटली इंडिया ने अपनी बुलेरो जैसी गाड़ी या महिंद्रा की गाड़ी को बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करने का मुआहदा साइन कर लिया। सबसे पहले नंबर पर इसके सामने हाजिर है रशिया और मिडल ईस्ट को अपनी गाड़ी एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान की अभी आपने कौन सी गाड़ी ऐसी कि जो कि बाहर एक्सपोर्ट की हो या मैन्युफैक्चर की हो पाकिस्तानी नाम से, मेड इन पाकिस्तान के नाम से कौन सी गाड़ी है जो मैन्युफैक्चर की हो, मैं नहीं बताऊंगा। तो अब देर किस बात की, चलते हैं पाकिस्तान। चल 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 मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पंजाब के। चलो वेरी नाइस यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि इंडिया अपनी मोबाइल इंडस्ट्री को लेके इतना ज्यादा आगे चला गया है, मैं आपको क्या बताऊं कि अदर कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। इटली, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट सबको करता है। इंडिया की टाटा कंपनी और महिंद्रा कंपनी अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। क्या वजूहत है कि वो इतने ज्यादा आगे निकल गए हैं इन चीजों को लेके, अभी तक पाकिस्तान की कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर अपनी कंपनी नहीं। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, चूंकि मेरी इस पे थोड़ी, मैं कश्मीर से हूँ, आजाद कश्मीर से, तो उसके ऊपर मेरी रिसर्च भी है। मैं पहले एक साल मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी, तो उसमें ये है कि 1990s में ना पाकिस्तान और इंडिया के जो रिजर्व थे बिल्कुल सेम थे, और आज इंडिया की रिजर्व 665 बिलियन डॉलर्स, 650 करोड़, और पाकिस्तान के कितने आपको पता है, बिलो 6 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान का तो पहले इंडिया से कंपैरिजन है ही नहीं। आपका क्वेश्चन मैं आपको माजे के साथ आपको करेक्ट करूंगा कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ, इवन के बांग्लादेश के साथ भी कंपैरिजन नहीं है। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट कोरोना में 8% रही है, पाकिस्तान की 6%। इमरान खान के कुछ पीटीआई दौर के अच्छे काम थे, उन्होंने अप लेके गए, लेकिन अब वापस 2% पे भी नहीं है। पहले तो इंडिया से हमारे इंडिया में जो भी कंपनी आती है ना, उसको पहले वो कहते हैं कि आप हमारे नाम से यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और हमारी लेबर और रॉ मटेरियल को यूज करेंगे। अभी आपको पता है कि जितनी भी चाइनीज कंपनी है, शाओमी है, मी है, मोबाइल की कंपनी रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, जब वो इंडिया में आती हैं, ये जो रियलमी का 6 मेरे पास फोन है, मैंने 35,000 रुपए का यहाँ से लिया है, वो इंडिया में 9,000 रुपए का। मैं रिव्यूज देखता हूँ, अब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी कुछ पीटीआई दौर में, लेकिन अब वो भी दोबारा बंद हो गया। इंडिया की आपने बात की दोबारा, ये जो है कार कंपनी है, रिसेंटली टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी, उन्होंने कहा कि इंडिया में हम प्लांट लगाएंगे, उन्होंने कहा कि इंडिया में हम कार्स अपनी सेल करेंगे, उन्होंने कहा पहले आप यहाँ पे प्लांट लगाएं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, यहाँ पे हमारी एम्प्लॉयमेंट दें, और फिर यहाँ पे, यानी कि वो कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अपनी कंट्री। पाकिस्तान का चूंकि इंस्टेबिलिटी, अभी आप देख लें मुल्क के कैसे हालात हैं, अभी इलेक्शन होने चाहिए, गवर्नमेंट किसी की भी आए इलेक्शन होने चाहिए ताकि फुल स्ट्रेंथ गवर्नमेंट आई किसी की पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान इस वजह से इंडिया से पीछे है। सारे पाकिस्तानी ऐसे पढ़े लिखे समझदारी भरी बातें करे ना, तो मैं सच कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोस्त बनने में ज्यादा समय नहीं लगे। लेकिन अफसोस ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की 95% आवाम जाहिल है। ये हुकूमत को चाहिए कि अभी आज टाइम पे हमें जहाद के लिए इनको इजाजत दे देनी चाहिए। अरे यार चुप करो, यही तो है हिंदू मजहब में जहालत बहुत है, अगर मैं अकल होती तो मुसलमान ना होते। देखे मेरी बात सुने, ये तो हिंदुओं ने जो शरपसंद नासर हैं, वो तो आके मुसलमानों के कट्टर दुश्मन है, ठीक है। चूतिए हो तुम दोनों। बात करूं उनके महिंद्रा की, उनकी जो स्पार्को है यार, गाड़ी की जो कंपनियां, यकीन करो कि इतनी को हैवी, वो अदर कंट्रीज डिमांड करती है कि भाई आपकी जो उनसे गाड़ी है, टाटा की गाड़ियां इटली के अंदर, महिंद्रा की गाड़ियां इटली के अंदर, यूई के अंदर पुलिस और आर्मी की गाड़ियों के तौर पर इस्तेमाल होती है। क्या समझते हो आपके उन्होंने कितने ज्यादा स्टेबल कर लिया अपने इंडस्ट्री को, अपनी गाड़ी मोबाइल इंडस्ट्री? आप बताओ पाकिस्तान के जरा कंपैरिजन हो सकता है? गाड़ियां जो हम बाहर की गाड़ियां मंगवा के यहां पर मैन्युफैक्चर भी नहीं होती, असेंबल करते हैं, उसके डबल कॉस्ट पड़ जाती है। हमारा तो कंपैरिजन में पहले आपको कह नहीं है इंडिया के साथ, इंडिया जो है एक टेक जायंट है, टेक्नोलॉजी जायंट है, वो चाइना को अपना कंपेटिटर समझ जाए, जो कि चाइना 2030 में सुपर पावर है इस वक्त, टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया अमेरिका से भी आगे है। मैं फोर्ब्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मूडीज की, बल्कि एक आर्टिकल था 2050 तक ना जो इंडिया है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी, उसने यूके को सरपास किया, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो आप किधर है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स, उनके टेक्सटाइल पूरी दुनिया में जानी मानी जाती है, उनका नाम चलता है। अब राइस पाकिस्तान के इंडिया के नाम से बिकते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं।
नाम है ना, तो इस तरह के बाकी चीजों में भी इसी तरह का सिनेरियो है। और अगर मैं बताऊँ आपको तो ये जो से हमारी मिडिल एज कंट्रीज है ये तो कहती है कि भाई इंडिया अगर कहता कि मैं चावल नहीं दे रहा अपने तो वो पाँव पकड़ने पे आ जाती है। भाई आपके राय समय बहुत जरूरत है, आप दो। देखिए ना इस किस्म की नीड्स पैदा की हुई है, अगर नीड्स पैदा करने के बाद आप किसी कंट्री से कोई डिमांड करते हो तो आपकी वो डिमांड भी पूरी होती है। अगर लेवल करें पाकिस्तान और इंडिया का, पहले 99 में हमारे इक्वली होते थे, अभी आप देखते हो तो आसमान जमीन का फर्क हो गया। उन्होंने क्या चीज अपनाई जो कि हमें अपनानी चाहिए थी और जो उन्होंने अपना कर डेवलप हो गया। ये 2000 में ना जब टेक्नोलॉजी का एक शिफ्ट आ रहा था, पैराडाइम शिफ्ट यूरोप अमेरिका से एशिया की तरफ, तो पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज आई जिसमें आपकी ये माइक्रोसॉफ्ट ये सारी कंपनीज आई। तो यहाँ पे असल में कानून साजी इस तरह की है कि इतना काम मतलब कि इतना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है कि वो कंपनीज ईज देखती हैं, उनको ईज नहीं मिलती, प्रॉफिट के लिए वो आती हैं। अब इंडिया में वो उन्होंने पाकिस्तान इंडिया में दोनों में अपना प्लांट लगाना चाहा। इंडिया में क्या था, पाकिस्तान में क्या था कि यहाँ पे माशाल्लाह था, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी और उन्होंने ये किया कि उन्होंने उनको आने नहीं दिया यहाँ पे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम सामान उठाते हैं अपना, साथ वाले कंट्री में जाते हैं, वो हमें टैक्स फ्री भी दे रहे हैं और लेबर भी उनकी सस्ती है। वहाँ पे उन्होंने प्लांट लगाए और 20 साल बाद सम्राट आए, आज देखें टेक्नोलॉजी में किधर है इंडिया। एग्जैक्टली 5G लॉन्च हो गया, उसके बाद इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। मैं एक फैक्ट बताता हूँ, मैं आजाद कश्मीर हूँ, आजाद कश्मीर में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोटली, बॉर्डर लाइन LO से भी जाते ना, जैज जोंग और वारिद के सिग्नल नहीं आ रहे होते, एयरटेल 4G के सिग्नल हमें आ रहे होते हैं इंडियन ओकोबाइट कश्मीर से बॉर्डर एरिया पे। भाई जब इंडिया के बारे में इतना जानता है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतना नॉलेज है और इतने अच्छे तरीके से आप अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हो, तो फिर ये गलती कैसे कर दी मेरे भाई? इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर 1947 से पहले तो पाकिस्तान भी इंडिया का था, तो कश्मीर पाकिस्तान का कैसे हो गया और इंडिया ने कैसे ऑक्युपाइड कर लिया? हमला जिन्ना ने किया था, ना कि नेहरू ने किया था। सही बात है। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं आपके 10 नंबर जरूर काटूंगा। क्या बात है यार, आप कश्मीर से हो तो आप ज्यादा ब्रीफ कर पाओगे। अगर मैं बात करूं इंडिया के जो कश्मीर है, वहां पर नरेंद्र मोदी ने जो 370 का आर्टिकल हटाने के बाद और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर दी, इलेक्ट्रिक बसेस दे दी, रोड बना लिए कारपेटेड रोड, उसके बाद स्कूलिंग निजाम अच्छा कर लिया, दुनिया का ऊंचा सिनेमा बना दिया, रेलवे निजाम बना दिया, माल ऑफ कश्मीर बना दिया। तो हमारे कश्मीर के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया थोड़ा सा वाजे करते, आप खुद कश्मीर से। एक एडिशनल मैं चीज ऐड करना चाहूं, दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ट्रैक है ना वो इंडिया में बना है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अरे मेरे भाई कब्जा तुमने किया है, बार बार समझाऊंगा एक ही बात नहीं। उन्होंने दिल्ली को श्रीनगर से मिलाया 4 घंटे का रास्ता, जो पहले 12 घंटे का रास्ता था। उन्होंने फास्टेस्ट ट्रेन डाली है उधर पहाड़ों को काट काट के। अभी हमें, मैं अपने कैपिटल जाने के लिए मुझे 12 घंटे लगते हैं, लाहौर आते हुए मुझे 10 घंटे लगते हैं, अपने कश्मीर के अंदर मुझे घूम के पंजाब से जाना पड़ता है। तो ये हालात है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो कश्मीर की गवर्नमेंट मतलब कि पैसा आता है कुछ, हमारी जो गवर्नमेंट है उधर उसकी भी नाहली है, और कुछ है कि मतलब कि फंड, एक तो है कि इतना एक वो हॉस्टाइल एरिया है ना कि वहाँ पे फौज की आर्मी की एक्सेस परमिशन के अलावा आप मतलब कि नहीं जा सकते, डिस्प्यूटेड जो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इस वजह से डेवलपमेंट उधर कम है। खैर ये है कि यूरोप में काफी सारे लोग हैं, यूके वगैरह में, तो इस वजह से ट्रांजिशन मतलब टेक्नोलॉजी का या एजुकेशन बहुत ज्यादा है, 80% लिटरेसी रेट है कश्मीर में। ये तक अगर मैं बात करूं इंडिया के भी तो यही है ना, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, तो उन्होंने वो डेवलप कर सकते, तो हम ये कहते थे कि भाई ये तो ना ये मुतनाजे इलाका है, यहाँ पर तो इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के मुतनाजा चल रहा है, तो हम इसलिए डेवलप नहीं कर सकते। तो अगर उसको नहीं कर सकते तो हमने अपने दूसरी सिटीज को कितना डेवलप किया, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं है। ऐसे है बिल्कुल, आप इंटीरियर सिंध को देख लें, आप साउथ पंजाब को देख लें, आप दूर दराज बलोचिस्तान के जो ईरान बॉर्डर के साथ एरियाज हैं, बहुत बुरे हालात हैं। आप कराची लाहौर इस्लामाबाद को, लाहौर इस्लामाबाद फिर ठीक है, कराची बिल्कुल खत्म है, मतलब उसकी आप देखें एक बारिश होती है तो पूरा कराची डूब जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर नरेंद्र मोदी ने अपने कंट्री के लिए इतना काम किया कि दुनिया सारी वाह-वाह तारीफें कर रही है आज के टाइम के अंदर। क्या समझते हो कि चले दुश्मन से कुछ नहीं तो ये तो सीख लें कि भाई तरक्की किस तरह से करनी है, जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखें हमारे दीन में भी यही है कि अगर इलम आपको काफिर से मिलता है उससे भी आप ले लें, तो सबक आपने किसी से भी सीखना है तो आप ले लें उनसे, आप गौरव में से तो लेते हैं, वो भी मुसलमान तो नहीं है ना, क्रिश्चियन वगैरह से, उनसे भी तो लेते हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इन्फॉर्मेशन अच्छी थी आपने। भाई साहब बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, लेकिन प्यारी प्यारी बातें करते करते बीच के अंदर अपना जहरीला डंक जरूर मार रहे थे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मेरे को बीच में कूदना पड़ा। लेकिन मुझे इनकी बातें सुनने में काफी आनंद आ रहा था, काफी मजा आ रहा था। सीरियसली बोलूं तो ऐसे लोगों को, समझदार लोगों को सुनने का मजा ही कुछ और है। और अगर आपको भी लगता है मजा आया हो तो जरूर से, तो अपने मजे को विस्तार से वर्णन कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। और आज मैं आपको एक टारगेट दूंगा, 15,000 लाइक तो पहुंचा ही दो भैया। व्यूज गिर गई है, रेटिंग गिर गई है, कमाई गिर गई है भैया, आमदनी 54, खर्चा 1 रुपया हो गया है, तो लाइक तो दे दो कम से कम, इसमें तो कंजूसी मत करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।